दोस्तों नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स पर अकाउंट कैसे ओपन करना है और उसमें फंड कैसे डालना है, कैसे ट्रांजेक्शन करना है, ये सब तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वजीर एक्स पर ट्रेडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करना है या कैसे क्रिप्टो करेंसी सेल करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक अगर आपने अपना अकाउंट वजीर एक्स पर नहीं खोला है और आप भी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करना, ट्रेडिंग करना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वजीर एक्स के एप्लीकेशन पे। ये आपको सामने दिख जाएगा, मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये है वजीर एक्स का यूज़र इंटरफेस, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है क्विक बाई का है, तो क्विक बाई में आपको मिल जाएंगे कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जिसे आप डायरेक्टली भी बाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में बाई करने से पहले या परचेस करने के पहले आपको पैसे डालने जरूरी हैं, तो उसका प्रोसेस भी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो लास्ट में ऑप्शन है फंड्स का, तो उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेंगे। फंड्स के ऊपर क्लिक करते ही ऊपर में आपका अगर पहले से कोई रिमेनिंग फंड है तो वो आपको दिख जाएगा, नीचे में अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी परचेस करके रखी हुई है तो वो आपको शो करेगी। उसके बाद यहाँ नीचे में ऑप्शन है जस्ट टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू के नीचे में डिपॉजिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन और मार्केट्स के नीचे में सबसे नीचे में डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, तो इस डिपॉजिट के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेंगे। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। नए पेज पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंस्टेंट डिपॉजिट थ्रू नेट बैंकिंग जिसमें आपको 23.6 रुपीस का चार्ज लगेगा और मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पर 4,99,000 रुपये तक ही आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अगर आप छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं 1,000 रुपये, 500 रुपये, तो ये ऑप्शन आपके लिए महंगा है। सेकंड में है इंस्टेंट डिपॉजिट वॉलेट ट्रांसफ़र, तो अगर आपके पास मोबीक्विक का वॉलेट है तो आप उसके थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी कंडीशन है मिनिमम 100 रुपीस आपको डिपॉजिट करना होगा और जो फीस लगेगी वो एज पर वॉलेट लगेगी, मतलब मोबीक्विक का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग लगेगी। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वजीर एक्स P2P का, तो वजीर एक्स P2P थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, या फिर आई बटन के ऊपर भी लिंक मैंने दिया हुआ है, पॉपुलेट हो रहा होगा आप लोगों के सामने, वहां से भी क्लिक करके आप लोग वजीर एक्स P2P के थ्रू कैसे फंड ट्रांसफर करना है ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक बाई में हम लोगों ने देख ही लिया था, सबसे ऊपर में क्विक बाई में आप देख सकते हैं इनवाइट एंड अर्न 50% फीस। अगर आप लोग अपना अकाउंट वजीर एक्स पर खोलते हैं और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और आपके फ्रेंड्स उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके द्वारा जो भी चार्ज वजीर एक्स के द्वारा लिया जाता है उनसे ब्रोकरेज के रूप में, उसका 50% आपको क्रेडिट होता है। तो फटाफट आप लोग भी अपना अकाउंट वजीर एक्स पर खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्योंकि मैं ये वीडियो के थ्रू आपको एक प्रकार से एजुकेट ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत उसका चार्ज मुझे भी मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, क्विक बाई के जस्ट बगल में एक्सचेंज का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर INR के पेयर में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी INR के पेयर में सर्च करना है और अगर वो क्रिप्टो करेंसी INR के पेयर में है तो यहाँ सर्च का बार दिया हुआ है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं बैक कर लेता हूँ। USDT के पेयर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से पेयर वाइज ओपन करके यहाँ से डायरेक्टली आप परचेस सेल कर सकते हैं।
WRX वजीरएक्स का ये खुद का कॉइन है, तो इसके पेयर में भी वजीरएक्स ने दिया हुआ है बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज को। उसके बाद BTC, ये बिटकॉइन के पेयर में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये आपको बिटकॉइन के पेयर में भी मिल जाएंगे। P2P, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, P2P के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। नीचे P2P ऑर्डर है, सेम चीज़ उसी के लिए है, P2P के लिए यूज़ की जाती है, तो इसे आप छोड़ दीजिए। STF स्मार्ट टोकन फंड। स्मार्ट टोकन फंड क्या होता है मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड होते हैं, काफ़ी सारे शेयर्स को मिलाकर बनाया जाता है एक फंड, वैसे ही यहाँ पर स्मार्ट टोकन फंड निकाला गया है वजीरएक्स के द्वारा, जिसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को ऐड करके एक फंड बनाया जाता है, जिसमें रिटर्न के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, रिस्क कम रहता है, जैसा कि म्यूचुअल फंड में होता है। ये पूरा का पूरा जो थीम है वो म्यूचुअल फंड से लिया हुआ है, तो ये है स्मार्ट टोकन फंड। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे किसी भी आपको क्रिप्टो करेंसी को आपको अगर खुद से ऐड करना है या उसको अलग रखना है, तो उसे उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे मैं ये पॉली के ऊपर क्लिक किया, ये फेवरेट का ऑप्शन आ रहा है, फेवरेट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। या INR के बगल में स्टार का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पर पॉली ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप खुद की भी वॉच लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और सेम चीज़ अगर आपको उस करेंसी को या किसी भी करेंसी को आपको डिलीट करना है आपके वॉच लिस्ट से, तो उसके ऊपर जस्ट आप क्लिक कीजिए, रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को परचेस या सेल कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी कोई भी परचेस करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हॉट USDT के पेयर में दिया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हॉट को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे में बाई एंड सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। बाइंग विंडो आपके सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो करेंसी है उसका प्राइस चल रहा है 0.068 और हमें यहाँ पर परचेस करना है, तो मैं आपको यहाँ सिंपली परचेस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर जैसे 200 रुपीज़ डाल दिया मैंने, यहाँ 200 डाल के सिंपली हमें यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट प्राइस अमाउंट एंड टोटल, तो हमें स्लाइड टू कंफर्म करना है कितने चार्जेस आपको ले रही है वजीरएक्स, ये भी आप देख सकते हैं 0.2% एंड स्लाइड टू कंफर्म करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर कैसे लगेगा। स्लाइड मैंने कर दिया है, ऑर्डर कंफर्म हो चुका है मेरा। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर्स में जाके चेक कर लेंगे। ऑर्डर्स में जाके मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑर्डर अभी फिलहाल ओपन है, तो जैसे ही ये रेट आएगा तो ये परचेस हो जाएगा। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरी हिस्ट्री की, ऑर्डर मेरा कंफर्म हो चुका है, मैंने परचेस कर लिया है और ऑर्डर डिटेल्स भी मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर परचेस हो चुका है मेरा हॉट के लिए, मैंने जो हॉट USDT के पेयर में जो मैंने परचेस किया था वो मेरा परचेस हो चुका है। अब बैक कर लेते हैं हम लोग, बैक करने के बाद सेम एक्सचेंज के ऊपर आ जाएंगे और सेल करने का जो प्रोसेस है, इसको सेल करने के लिए जस्ट हम लोग सेल के ऊपर जाएंगे, बाई एंड सेल, बाई की जगह सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस जैसा कि हमने बाई के लिए किया था सेम प्रोसेस हम सेल के लिए भी करेंगे। तो मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप लोग यहाँ कुछ और टूल्स दिए हुए हैं, जैसे चार्ट्स है, चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 6 आवर, 12 आवर, 1 डे, ये सब बेसिस पे आप लोग चार्ट यहाँ देख सकते हैं। ऑर्डर्स में आप लोग देख सकते हैं कितने बायर और कितने सेलर खड़े हैं। ट्रेड्स में भी आप लोग देख सकते हैं कितने में क्या ट्रेड हुआ है। एंड माई के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं। बैक कर लेते हैं। सेटिंग यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, तो सेटिंग के अंदर क्या क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिख जाएगा।
उसके बाद आपको इनवाइट एंड अर्न की ऑप्शन मिल जाएगी, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आपका जो भी है ऐप पासवर्ड वगैरह ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी लॉक्स में आपने कब लॉगिन किया था लास्ट टाइम, वो सब चीज़ें आपको शो करेंगी। बैक कर लेते हैं। बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन में आपका जो भी अकाउंट लिंक होगा वो शो करेगा। ट्रेड सेटिंग में आप ट्रेड सेट कर सकते हैं आपका। स्किप बाय एंड सेल कंफर्मेशन स्किप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। फी सेटिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कोई ट्रेडिंग फीस पे करना चाह रहे हैं तो वो WRX टोकन के थ्रू आप पे कर सकते हैं। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद डाउनलोड ट्रेड रिपोर्ट्स में जाकर आपकी जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग आपने की हुई है वो यहाँ डेट को सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके ईमेल पर जाएगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद नोटिफिकेशंस है, अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आपको डार्क थीम चाहिए कि लाइट थीम चाहिए, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है और कोई भी मुझे नहीं लगता और भी कोई बाकी चीज़ें जितनी दी हुई है वो किसी काम की है। तो इसे बैक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझको लगता है कि सभी चीज़ें मैंने इस डेमो में कंप्लीट कर दी हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।